प्लेसमेंट वाला, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हमारे पास काफी सारे हायरिंग अपॉर्चुनिटीज के अपडेट्स है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वीडियो के नीचे कमेंट तो जरूर से करना। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इंस्टाग्राम लिंक एंड टेलीग्राम लिंक को आप लोग जल्दी से जल्दी फॉलो एंड ज्वाइन कर लो, ताकि आप लोगों को भी सारी की सारी जो नई हायरिंग अपॉर्चुनिटीज आती है उनका अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, गोल्डमैन सैच की तरफ से 2025 इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम के लिए अभी हायरिंग शुरू हो गई है। अभी आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 16 अगस्त से, एंड लास्ट डेट टू अप्लाई है 7 अगस्त 2024। ठीक है, एलिजिबिलिटी जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग मई और जून 2025। तो जिन लोग का सेमेस्टर या फाइनल सेमेस्टर जो होता है वो मई या जून में खत्म हो जाते हैं, और दे विल बी एबल टू ज्वाइन, सो दे कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। और ये लोकेशन जो होने वाला है, ये होने वाला है आपका बैंगलोर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या ओवरव्यू है यहाँ पर और जो प्रोसेस एंड टाइमलाइन है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी ये ऑगस्ट में चल रहा है, ऑगस्ट से लेके 8 सितंबर तक ही ये ओपन रहेगा एप्लीकेशन। इसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा सेप्टेम्बर के मंथ में एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके बाद कोर्स वर्क होगा आप लोगों का अक्टूबर टू नवंबर। यहाँ पर आप लोग को कोर्स वर्क के बारे में भी बताया दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोर्स वर्क जो अक्टूबर से नवंबर तक होगा उसके रिलेटेड आपको टेक्निकली टेस्ट देना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कोर्स वर्क। ठीक है ना, इसके बाद आप लोगों को इंटरव्यूज देने के लिए बोला जाएगा, और फाइनली जो लोग इंटरव्यू क्रैक करेंगे वही लोगों को फाइनल रोल आउट मिलेगा ऑफर लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन प्रोसेस भी यहाँ पर दिया हुआ है। रजिस्टर फॉर द प्रोग्राम जो ईमेल एड्रेस राइट क्लिक इन रजिस्टर बटन बिलो। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप लोग को रजिस्टर कर देनी है। वंस यू हैव रजिस्टर्ड टू कमेंस योर एप्लीकेशन प्रोसेस क्लिक अप्लाई। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद अप्लाई का बटन आएगा, वहां पर जाकर आप लोग को अप्लाई करना है, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है या फिर इंफॉर्मेशन है वहां पर आप लोग को दे देनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे डश बैंक की तरफ से डेटा इंजीनियर रोल के लिए। अभी पुणे में हायरिंग चल रही है, जिसका भी काफी ज्यादा सैलरी पैकेज हाई है, 22 LPA से लेकर 27 LPA तक। फ्रेशर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी होने वाली है 0 to 2 years के लिए, और यहाँ पर जो स्किल्स मैंडेटरी है आप लोग देख सकते हो SQL एंड पाइथन इधर के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, बहुत अच्छा कंपनी है और एक बहुत मतलब अच्छा सैलरी पैकेज पर फ्रेशर्स के लिए ये लोग ऑफर कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि जो लोग अपने आप को इसके काबिल समझते हैं तो आप लोग प्लीज जल्दी से जल्दी इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है, और अगर आप मिलती है मौका तो डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, इसके बाद हम लोग देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पर टेक महिंद्रा के तरफ से कस्टमर सपोर्ट रोल के लिए हायरिंग चल रही है, जो कि होने वाला है रिमोट लोकेशन, मतलब वर्क फ्रॉम होम लोकेशन होने वाला है। ये रहता है आप लोगों का लिंक जहाँ पर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे गीक्स फॉर गीक्स के तरफ से फ्रंट एंड इंटर्न के लिए, एसटी इंटर्न के लिए अभी चल रही है हायरिंग। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स है। यहाँ पर यूजिंग रिएक्ट जेएस आप लोग को डेवलप करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों को ट्रांसलेटिंग डिजाइन एंड वायर फ्रेम्स इंटू हाई क्वालिटी कोड, और साथ आप लोग का जो डिजायर स्किल्स होंगे वो होंगे HTML, CSS, JavaScript, SQL। ठीक है, और आप लोगों को APIs के बारे में भी पता होना चाहिए, गिट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड रोल के लिए होने वाला है, और ये बहुत बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपको फिर समझ में आ रहा है कि ये इंटर्नशिप जो होने वाला है ये 1 साल के लिए होने वाला है, और गीक्स और गीक्स से होने वाला, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। सैलरी भी 25K पर मंथ होने वाली है, और नोएडा में होने वाली है। इंटर्नशिप के लिए आप लोगों को काफी अच्छा पे मिल रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कहूंगी कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो जल्दी से जल्दी जाके यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि लास्ट डेट 17 तक है। प्लीज अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों को कुछ और वीडियोस चाहिए, कुछ और आप लोगों को अपडेट्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। आई विल बी डेफिनेटली रिप्लाईंग यू ऑल इफ आई एम एबल टू। ओके, इसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद अस टिल एंड, एंड तब तक के लिए बाय।